अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और वो गलती में थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसे सुलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहाँ कटी, क्या वक्त था, तुम वहां क्या कर रहे थे, तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे, और अनाप शनाप सवाल पूछकर बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं जाओ पाइप ठंडा और कुछ बियर लेकर आना। मजबूरन में उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सारा पुलिस स्टेशन इकट्ठा हो जाता है और आपस में बातें करने लगता है उस इलाके का जेब कतरा कौन है, राजू, अरे नहीं नहीं राजू तो गांव गया हुआ है, पांडू ने काटी होगी। पांडू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है और ऐसा करने से पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों अगर सुबह कॉलेज ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला सिग्नल से थोड़ा सा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। पेट्रोल है, हवा है, और उससे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि वो सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा, और ये कोई देश की हिफाजत के लिए नहीं सिर्फ अपनी जेब के लिए किया जाता है, और ऐसा करने से पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो करप्ट है, और करप्ट है इसीलिए पब्लिक जब कोई आर्मी का जवान शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, लेकिन जब कोई पुलिस वाला शांत हो जाता है तो कहते हैं कि अच्छा हुआ कम से कम समाज से एक करप्ट आदमी निकल गया। तो अगर पुलिस वालों को आगे बढ़ना है तो अपनी ये छवि सुधारनी होगी। मोनोलॉग था इंडियन पिक्चर का, तो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।